हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये है हमारा फेयर और फेस्टिवल स्ट्रेटजी की सीरीज चल रही है और इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट करा चुका हूं और ये है हमारा पार्ट सेकंड। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने आप लोगों को केरल तक कराया था भाई, अब हम केरल से आगे अपने फेयर और फेस्टिवल को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि 28 राज्य थे और 8 यूनियन टेरेटरीज के हम त्यौहार और मेले सीख रहे हैं। चले भाई, तो अगला राज्य हमारे पास आया कौन सा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को याद कैसे करेंगे? देखिए भाई, मध्य प्रदेश के फेस्टिवल कैसे रिलेट करने हैं? देखो, ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी। एमपी को हम याद करेंगे भाई हमारे मध्य में। देखो, मध्य प्रदेश का मतलब मध्य में। देखो, पहले घड़ल्या, घड़ल्या यानी घड़ी। एक तो जो भी हमारी घड़ी होती है, घड़ी के मध्य में ही तो भाई मिनट वाली और सेकंड वाली सुई होती है। घड़ल्या के घड़ल्या तई घड़ी के मध्य, मध्य यानी मध्य प्रदेश। गणगौर हमने बताया था ये आप लोगों को, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान और भाई हमारा एमपी, तीनों में बनाया जाता है ये गणगौर। एक बात तो मंडी कितनी थी? 36। और मैंने कहा था छत्तीसगढ़ जहाँ भी आए छत्तीसगढ़ तो साथ में एमपी भी है, क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ का क्या लगता था? बॉर्डर लगता था भाई। समझ आया? आगे देखो, रस नवा। एक बात तो जो भी फ्रूट होता है उसके मध्य में तो रस होते हैं, रस, रस नवा यानी रस कहाँ होते हैं? मध्य में, मध्य से मध्य प्रदेश। समझ आया? आगे देखो, हरीरी भाई, हरी यानी एक होता है हिंदू और एक होता है मुसलमान। भाई हिंदुओं के दिल में, हिंदुओं के मध्य क्या है? हरी। मुसलमानों के मध्य क्या है? पीर है, पीर बाबा। मुसलमानों के मध्य है हरी, हमारे मध्य है तो हरीरी, हरी हमारे मध्य है, पीर मुसलमानों के मध्य है। आगे देखो, काकसार। एक बताओ, रावण ने, आपको पता होगा, बाली ने रावण को अपनी काक के अंदर रखा था, तो काकसार, तो काकसार आते ही काक के मध्य, काकसार यानी काक के मध्य, काकसार यानी काक के मध्य। तो याद हो गया भाई आप लोगों को, तो ये हमने किया मध्य प्रदेश। एक बार फिर से देखो, मध्य प्रदेश को कैसे रिलेट किया हमने? जब भी आया मध्य प्रदेश यानी मध्य में, घड़ल्या यानी घड़ी के मध्य, मंडी यानी छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश भी है, रस, रस कहाँ मिलता है? मध्य में, काक के मध्य, हरी हमारे मध्य, पीर मुसलमानों के मध्य, तो ये सारा हो गया मध्य प्रदेश भाई। आगे देखो, नेक्स्ट आगे दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को हमने याद करना था महान से, महाराष्ट्र यानी महान, महान राष्ट्र, महाराष्ट्र यानी महान राष्ट्र, महान, महान से याद करेंगे, महान यानी महाराष्ट्र। या तो विठोबा, विठोबा यानी विनोबा। ये तो जो अभी हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे जिन्होंने देश को आजाद किया, तो विनोबा भावे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, विठोबा यानी विनोबा, विनोबा महान थे, महान से महाराष्ट्र। युद्ध पूजा, बताओ युद्ध की पूजा भाई, युद्ध की पूजा कॉमन आदमी तो करेगा नहीं, महान लोग ही किसकी पूजा करेंगे? युद्ध पूजा कौन करते हैं? महान लोग, महान से महाराष्ट्र। समझा? चाहे युद्ध की पूजा हो, चाहे जाग के पूजा कौन करते हैं? देखो, जागरी पूजा, को जागरी है वैसे, जाग के पूजा कौन करते हैं? वैसे याद रखना, महान लोग, जाग के पूजा, जागरी पूजा, जाग के पूजा कौन करते हैं? महान लोग। एक बात तो हमारी जो कॉमन आदमी है उनकी तो सिंपल पूर्णिमा होती है, लेकिन पूर्णिमा के आगे कुछ खास शब्द लग जाए ना तो ये महान लोगों की होती है। देखो, पूर्णिमा यानी नारली पूर्णिमा आ जाए ना, तो नारली पूर्णिमा किसकी है? महान लोगों की। काला घोड़ा किसके पास होगा? महान लोगों के पास। समझा? गाड़ी नई नई पढ़वाते हैं, गाड़ी नई नई, बॉलीवुड वाले, बॉलीवुड कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महान लोग ही तो कभी गाड़ी, कोई नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी ऐसे। भाई पोला यानी पोल याद रखना, ये हमारा कहाँ भी है, पोला हमको याद किया था, 36 पोल थे ना भाई छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के टच नीचे भाई हमारा लगता है महाराष्ट्र भी। एक पॉइंट सुनना भाई, कभी भी आप लोगों से ना पोला अगर फेस्टिवल पूछा जाए तो ऑप्शन में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कभी नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक आएगा और एक स्टेट बिल्कुल या तो नॉर्थ का देंगे या साउथ का या ईस्ट का या वेस्ट का, ऐसा देंगे। एक तो एक पास वाला और एक, जो तीन ऑप्शन होंगे वे बिल्कुल अलग होंगे। एलिफेंटा गुफा, एलिफेंट भी महान है भाई, आपको पता है महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाई जाती है, आप लोगों को पता है, या गणेश भी महान थे, गणेश महान देवताओं में आते हैं। समझ आया? तो ये हमने महाराष्ट्र को याद किया महान से। फिर से देखो, महाराष्ट्र यानी महान, विनोबा भावे, विठोबा, विनोबा, विनोबा महान है भाई। युद्ध पूजा कौन करते हैं? महान लोग। काला घोड़ा किसके पास होगा? महान लोगों के पास। भाई पूर्णिमा तो हमारी है सिंपल आदमी की हो, लेकिन नारली पूर्णिमा किसी न कहीं महान लोगों की है। भाई गुड़ी पड़वा यानी गाड़ी पड़वा, गाड़ी कौन पड़वाते हैं? जिनके पास पैसा है, मान लोगी तो गाड़ी पड़वाते हैं, नहीं नहीं पोला महाराष्ट्र। एलिफेंट भी महान है, गणेश भी महान थे, और को जागरी यानी जाग के पूजा कौन करते हैं? वैसे हमको रिलेट करना है भाई, तो अब आप कहोगे सो के कौन करता है? अरे वैसे रिलेट कर लो ना भाई, जागरी पूजा, जागरी पूजा किसको कहा गया था? महान आदमी ने कहा था जागरी पूजा, जागले भाई सो मत। चले भाई,
याद हो चुका है। अगला नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट सबसे पहले मैं नागालैंड करा रहा हूं, नागालैंड मिजोरम इस प्रकार चलेंगे। चले भाई नागालैंड देखो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में दो क्वेश्चन आए हुए थे भाई यहां से। पहले सुन लो भाई, नागालैंड आते ही नागालैंड को रिलेट करेंगे नाग से, नागालैंड को रिलेट करेंगे नाग से। पहला फेस्टिवल है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल में बिल आया और बिल में कौन रहता है नाग, बिल में कौन रहता है नाग। मोआसू, मोआसू को माउस रिलेट हो रहा है चूहा, और चूहा चूहे को कौन खाता है नाग, नाग किसको खाता है चूहे को, माउस। एक बार तो चीन ताइवान आप लोगों ने सुना होगा, चीन ताइवान हांगकांग इन देशों में ना आपको पता है वो लोग ना नाग को खाते हैं, ये मत बोलना सांप को खाते हैं, नाग याद रखना क्योंकि नागालैंड ऑप्शन मिलेगा सांप नहीं मिलेगा। चीन ताइवान में नाग को खाते हैं, और वो नाग को पता है कैसे खाते हैं दोस्तों, वो नाग को ना आग में सेकर खाते हैं, आग में कैसे खाते हैं सेकर, सेक कर खाते हैं आग में, सेकर किसको खाते हैं नाग को। तो एक फेस्टिवल आया सेक कर, सेकर नहीं यानी सेक कर किसको खाया जाता है नाग को, और आग में किसको सेकते हैं नाग को, तो आग मोंग हो सेकर नहीं हो, तो सेकर आते ही सेक कर किसको खाते हैं नाग को। नेक्स्ट आया यम से, एक बात बताओ यम से, यम से हो या यम से हो, यम से मुलाकात कब होगी, जब नाग डसेगा, जब नाग डसेगा ना तब आपकी सीधी मुलाकात किससे होगी आपकी यम से। पेपर आया क्वेश्चन है भाई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यम से फेस्टिवल। तो ये हमारा हो गया खत्म नागालैंड, समझे आया या नहीं आया भाई कमेंट किया करो, समझ आया ठीक है, आया या नहीं आया, या कुछ करना है कुछ नई चीज भाई हम लोगों को लेके आनी हो। आगे देखो नागालैंड है हॉर्नबिल, बिल में कौन रहता है नाग, माउस, माउस को कौन खाता है नाग, सेकर किसको खाते हैं नाग को, आग में किसको सेकर खाते हैं नाग को, यम से मुलाकात कब होगी, जब नाग डसेगा भाई, जब नाग लड़ेगा सीधी यम से मुलाकात हो जाएगी। चलो आगे देखो, आगे देखो नागालैंड कर चुके हैं, अगला राज्य आ गया मिजोरम। अब मिजोरम को सुनना भाई, एक ही है यहां से पेपर आया क्वेश्चन है, मिजोरम में शब्द आया जोर, और यहां मिजोरम के हर फेस्टिवल में ना एक बात कॉमन मिलेगी आपको, कूट, 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 और याद रखना कूट शब्द आते ही कूट से याद रखना कूटना था, और कैसे कूटना था जोर से कूटना है, जहां भी कूट शब्द आए ना दोस्तों याद रखना पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया था पावल कूट फेस्टिवल किस राज्य मनाया जाता है पावल कूट, तो कूट शब्द आते ही कूटना, और कूटना कैसे था जोर से नहीं मिजोरम, मिजोरम के सारे फेस्टिवल में यही याद रखना आप लोगों को, समझ आया। चलो आगे, मिजोरम हमारा हो चुका है, और कई सारी बुक्स में आप लोगों को और दो चार फेस्टिवल और नजर आएंगे। तो दोस्तों उन्होंने पता है वो क्या किया, उन्होंने लोक डांस को यानी जिसको फोक डांस बोलते हैं लोक नृत्य को उसमें शामिल कर दिया है, फेस्टिवल वही है सारे के सारे, समझ आया। जब हम अपने करेंगे फोक डांस तो वहां पे रिलेट कर लेंगे वो। आगे देखो, एक मणिपुर है और एक मेघालय है, अब इनको याद करो कैसे याद रखेंगे, मणिपुर में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, पहले मणिपुर को याद कर रहे हैं। देखो भाई आओ सांग करें मणि के लिए, देखो मणि यानी पैसा भाई, लोग पैसे के लिए क्या करते हैं सांग करते हैं, पैसों के लिए क्या करते हैं सांग, देखो आओ सांग करें किसके लिए मणि के लिए, लाई हरोबा, लाई क्या लेके आई मणि लेके आई भाई, लाई लाई क्या लेके आई मणि लेके आई। देखो चेरी को याद करेंगे चोरी, चेरी यानी चोरी, चेरी यानी चोरी, चोरी किसकी होती है मणि, मणि पैसों की। चुम्फा आदमी किसको चूमते हैं मणि को चूमते हैं भाई, चुम्फा यानी चुम्मा, चुम्मा किसको मणि को, मणि को यानी मणिपुर। कांग रथ यात्रा यानी काग की रथ यात्रा मणि के लिए होती है, बस याद रखना वैसे रिलेट किया मैंने, कांग यानी काग की यात्रा ना, काग की यात्रा किसके लिए होती है मणि के, मणि के लिए। फिर से देखो सारे के सारे हम रिलेट कर चुके हैं, मणिपुर को रिलेट किया हमने मणि से, मणिपुर यानी मणि, मणिपुर यानी मणि। देखो भाई फिर से मणिपुर को किससे रिलेट किया मणि से, आओ सांग करे किसके लिए मणि के लिए, लाई हरोबा, लाई क्या लेके आई मणि, काग की रात्रा किसके लिए होते हैं मणि के लिए, चेरी यानी चोरी, चोरी किसकी होती है मणि की, चुम्मा, चुम्मा किसको चुम्मा मणि को। चले आगे देखो भाई, याद हो चुका हम लोगों को। अगला राज्य देखिए भाई, अगला राज्य हमारा आया नेक्स्ट मेघालय, नेक्स्ट आया हमारा मेघालय, अब मेघालय को रिलेट करेंगे फिर एक बार रिकॉल करेंगे सारा का सारा। देखो भाई मेघालय को रिलेट करेंगे, देखो मेघालय यानी मेघ के मौसम में आपको पता है ना बहुत ज्यादा बारिश आती है, मेघालय यानी मेघ, मेघ यानी वर्षा, वर्षा बहुत ज्यादा होती है बादल, उसी से रिलेट करेंगे। देखो वांगला यानी बंगला, बंगला कहां पे है मेघों में, बादलों में है भाई, वांगला यानी बंगला, बंगला कहां पे है मेघ में, मेघों में है बंगला भाई, समझा। और जब मेघ, मेघ आते हैं बारिश होती है तो नो क्रेन चाहिए भाई, नो क्रेन यानी नो क्रेन,
नौ क्रेन चाहिए क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बह जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, तो कितनी क्रेन चाहिए? कम से कम नौ क्रेन। नौ क्रेन चाहिए किस मौसम में? मेघ के मौसम में। नौ क्रेन चाहिए किसके मौसम में? मेघ के मौसम में। सब कहना मेघ यानी पानी सब कहे को बह दे देता है भाई, बह दी नकलम यानी सब कुछ बह जाता है, बह दी मेघ के मौसम ने सब कुछ बह दिया। और स्ट्रॉबेरी खाने का मजा मेघ के मौसम में है, बस वैसे याद रखना स्ट्रॉबेरी कब खाएंगे? मेघ के मौसम में। तो ये चार ही फेस्टिवल थे। बांग्ला यानी बंगला कहाँ होना चाहिए? मेघों में, बादलों में। नौकरेन मेघ के मौसम में चाहिए, सब कुछ बह देता है मेघ बादल। स्ट्रॉबेरी कब खानी चाहिए? जब बादल हो मेघ हो तभी तो स्ट्रॉबेरी खानेंगे। आप देखो हमने क्या क्या याद किया अभी तक भाई। हमने याद किया था सबसे पहले मध्य प्रदेश से, अब बताओ कैसे रिलेट किया? आपको एक बार ट्रिक्स घर जाके बोलना है, समझ आया? देखो मध्य से याद किया, घड़ल्या यानी घड़ी के क्या था? मध्य। घनघोर हमने याद किया, कई सारी स्टेट में है। मंडी यानी मध्य, ये छत्तीसगढ़ था, छत्तीस मंडी याद हुआ, छत्तीस मंडी तो छत्तीसगढ़ है तो साथ में मध्य प्रदेश ही तो है। रस मध्य में मिलेगा, काक के मध्य, हरी हमारे मध्य है, पीर मुसलमानों के मध्य है, मध्य से मध्य प्रदेश। आओ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी महान। विनोबा भावे कैसे थे? महान। युद्ध की पूजा कौन लोग करते हैं? महान। काला घोड़ा किसके पास होगा? महान लोगों के पास, महान से महाराष्ट्र। नारली पूर्णिमा किसकी होगी? महान लोगों की। नई नई गाड़ी कौन पढ़वाते हैं? महान लोग भाई। पोला वैसे तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के साथ ही भाई मध्य प्रदेश से भी है। एलिफेंट और गणेश बहुत ही महान है। कोजागरी जाग की पूजा कौन करते हैं? महान लोग करते हैं। आगे देखो अभी याद क्या था? आओ सांग करे किसके लिए? आओ सांग करे किसके लिए? मणि के लिए। लाई क्या लेके आई भाई? मनी। काग की रथ यात्रा भी किसके लिए होगी? पैसों के लिए। मनी के लिए होती है काग की रथ यात्रा। चेरी यानी चोरी, चेरी यानी चोरी, चोरी किसकी होती है? मनी की। चुम्मा चुम्फा चुम्बा किसको? मनी को, लोग चुमते हैं। मेघ के मौसम में बंगला होना चाहिए, वांगला यानी बंगला कहाँ होना चाहिए? मेघ के मौसम में। और मेघ का मौसम सब कहे को बह देता है, बह दी नकलम है, कम से कम नौ क्रेन चाहिए मेघ के मौसम में, याद रखना। स्ट्रॉबेरी खाने का मजा कब है? मेघ के मौसम में भाई। कूटना कैसे था? जोर से, ये तो सारे हो गए। चाप देखो, चाप खाने की कहे जब कूट दो, मीम बनाने की कहे तब कूट दो, मतलब कूटना है और कैसे कूटना है? जोर से कूटना है भाई। आगे देखो नागालैंड को रिलेट किया किससे? नाग से। हॉर्न बिल, बिल में कौन रहता है? नाग। माउस यानी चूहा, चूहे को कौन खाता है? नाग। सेकर किसको खाया जाता है? नाग को। आग में किसको सेकते हैं? नाग को। यम से मुलाकात कब होगी? जब नागड़े सेगा, याद रखना भाई। आगे देख लो भाई, नेक्स्ट देखो अगला है ओडिशा। ओडिशा देखो भाई, ओडिशा को देख लेना भाई। ओडिशा को कैसे याद रखेंगे? ये जो छू है ना, छू फेस्टिवल कई राज्यों में मनाया जाता है भाई, ये सुन लो पहले। ये आप लोगों का झारखंड में मनाया जाता है छू जो फेस्टिवल है, ये कई सारे राज्यों में मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? ये मैंने कहा ये झारखंड में भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आसपास वाली स्टेट लगते हैं भाई ये। उड़ीसा में भी सेलिब्रेट किया जाता है भाई, छत्तीसगढ़ में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आसपास वाली जो स्टेट हो ना, मैंने कहा इनमें से ऑप्शन में एक मिलेगा और एक इधर उधर उधर का देंगे, तो हमको उड़ीसा से याद रखेंगे। देखो छू देसी उड़ गया, मैंने किसी को छू किया, छू देसी क्या हो गया? उड़ गया। छू देसी मतलब मिनटों में, सेकंडों में क्या हो गया? उड़ गया। छू देसी उड़ गया। चले आगे देखो भाई, बाली की यात्रा उड़ के होगी, बाली देवता है, वानर थे ना, बाली की यात्रा कैसे होगी थी? उड़ के होगी, उड़ से ओडिशा। राजा भी क्या होते हैं? उड़ते। पहले के जमाने में सारे राजा थे, ये फेयर और फेस्टिवल पढ़ रहे हैं। राजा रानी क्या होते थे? उड़ते थे। रानी उड़ जाती थी ना, राजा भी उड़ जाता है भाई उड़ के। धानुजा यात्रा, ये दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है, ओपन थिएटर है, लार्जेस्ट वर्ल्ड का। धानुजा यात्रा हो अच्छे, बाली यात्रा हो, बाली यात्रा हो, धानुजा यात्रा, ये उड़के होगी भाई, याद रखना उड़के यानी उड़के। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप लोगों को पता होगा, उड़ीसा में है, ये सबको पता है। मिट्टी भी क्या हो जाती है? उड़ जाती है। मिट्टी भी क्या हो जाती है? उड़ जाती है। नुआखाई, देखो ओडिशा को अब इसको रिलेट करेंगे ओडिशा में, ओडिशा उससे रिलेट कर रहा हूं मैं, ओडिशा यानी ओडिशा में खाई है। नुआखाई नई नई खाई है, ओ दिशा में नई खाई है, नुआ खाई खाई है ओ दिशा में, उससे हमने रिलेट किया, समझ आया? अब देखो भाई, छू देसी उड़ गया, धानु की यात्रा हो चाहे बाली की यात्रा उड़ के होगी, राजा रानी भी क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता है, मिट्टी क्या हुई? उड़ी। उ दिशा में क्या है? खाई है। उ दिशा में क्या है? खाई है। तो ये भी हमने याद कर लिया भाई अपना ओडिशा को, ओडिशा भी याद हो चुका है हम लोगों को, अरे वाह यानी वाह। चले आगे, नेक्स्ट है भाई हमारा पंजाब।
पंजाब को याद रखेंगे भाई। आगे देखो भाई, पंजाब में आप लोगों को ये तो पता है भाई, ये कनेक्ट करने की जरूरत है नहीं। लोहड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। जॉब लगते होला तो होगा, मोहल्ले में होला होगा, जॉब लगते ही पंजाब में जॉब, जॉब लगते होला मोहल्ला होगा। बैसाखी का त्यौहार आपको पता है पंजाब में, और गुरु पर्व भी कहाँ पे है? पंजाब में। ये रिलेट करवाने की जरूरत नहीं। ये गणगौर मैंने बता दिया तीन जगह, ये राजस्थान, हरियाणा और MP, इन तीनों में ये गणगौर फेस्टिवल था तो बार बार आया है। तो राजस्थान में कौन सा गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है? आगे देखो राजस्थान का और कौन सा फेस्टिवल हम याद करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट है मोमा सर, मोमा यानी मामा का राज है भाई। मोमा यानी मामा, और मामा का क्या था? राज, राज से राजस्थान याद करना है। मोमा यानी मामा, मामा का क्या था भाई? राज। मामा का राज है मामा का, मामा से मामा सर, मामा सर मामा, मामा का क्या था? राज था। मामा का क्या था? राज था भाई, समझ आया। आगे देखो पुष्कर झील आपको पता है राजस्थान में है, ये सबको पता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बूंदी यानी बूंद बूंद के लिए कौन तरसता है? बूंदी यानी बूंद बूंद के लिए कौन तरसता है? राजस्थान आपको पता है। राजस्थान को देखते ही चंद्र भी भाग जाता है, चंद्रमा भागा किसको देखते ही? राजस्थान को, क्योंकि सूखा है राजस्थान है पूरा, रेगिस्तान है भाई, रेगिस्तान देखते ही चंद्र भी भाग गया, चंद्र भाग गया राजस्थान को देखते ही। मत्स्य भाई, मछली तो मिलेगी नहीं, मत्स्य कहाँ नहीं मिलेगी? अब तो हर जगह मत्स्य यानी मछली मिल जाएगी, कहाँ नहीं मिलेगी? राजस्थान में नहीं मिलेगी क्योंकि सूखा है भाई। मत्स्य यानी मछली कहाँ नहीं मिलेगी? राजस्थान में नहीं मिलेगी, याद रखना। कोल आया कहाँ से, किस स्थान से? देखो जब भी मैं आऊंगा कोल आया तो आप पूछोगे ना किस स्थान से, किस स्थान में छिपा हुआ है? राजस्थान। मैं पूछूंगा कोल आया, कोल आया कहाँ से, किस स्थान से, किस स्थान से यानी राजस्थान। मरु यानी राजस्थान में आपको पता है, मरु यानी मरुस्थल। राजस्थान के याद हो गए ना सारे के सारे फेस्टिवल। बूंदी यानी बूंद बूंद के लिए तरसता है राजस्थान। चंद्र भाग गया, सारे भाग जाते हैं, सूरज भी चंद्र भी किसको देखते हैं? राजस्थान को। मत्स्य कहाँ नहीं मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी। कोल आया किस स्थान से? मरु आपको पता ही है भाई। अगला देखो नेक्स्ट है हमारे पास सिक्किम। ये सिक्किम का मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, लास्ट क्लास लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अगला देखो भाई नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में शब्द आया मिलना, तमिलनाडु में शब्द है मिलना, तू मिलना। तमिलनाडु को याद रखेंगे तुम्हें मिलना। देखो किस किस से मिलना था पहले सुन लो। देखो थारी पूसम से, देखो एक तो चित्रा से मिलना है, ये वैसे याद रखना, चित्रा से मिलना है और थारी पूसम से मिलना है, थारी पूसम से मिलना है, थारी पूसम और चित्रा ये दो लड़कियां हैं, इनसे मिलना था भाई। देखो चित्रा थी, चित्रा से क्या करना था? मिलना था। थारी पूसम, थारी पूसम से क्या करना है? मिलना है भाई। जली कट्टू ये बताओ, जब जल जाता है तो डॉक्टर से क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। जली जलने के बाद क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। पोंगल, पोंगल में गल आ गया, गल यानी गले, गले क्या करना है? मिलना है। और याद रखना मैंने लास्ट क्लास में बताया था ओणम फेस्टिवल तो 10 दिन का होता है और 10वां दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको थिरुवोणम कहते हैं, ये याद रखना आप लोगों को। और जबकि पोंगल हो गया, पोंगल 4 दिन का फेस्टिवल है। पोंगल कितने दिन का फेस्टिवल है? 4 दिन का। एक भैंगी पोंगल होता है, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, गन्ना पोंगल, लेकिन वैसे याद रखना पोंगल कितने दिन का त्यौहार है? 4 दिन का त्यौहार है। तो ये तमिलनाडु हुआ। देखो तमिलनाडु में शब्द आया मिलना, और मिलना किससे था? थारी पूसम से और चित्रा से। ये तो दो लड़कियां तो याद रखना, चित्रा से मिलना है और थारी पूसम से मिलना है। पोंगल यानी गल, गल यानी गल क्या करता था? गले मिलना था भाई। और जली जलते ही क्या करोगे? डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। जलते ही किससे मिलना पड़ेगा? डॉक्टर से। देखो भाई कितने फेस्टिवल हो रहे गए हमारे, देख लेते हैं। तेलंगाना पे आ गए, तेलंगाना और त्रिपुरा ये रह गए भाई दो राज्य और याद करते हैं अभी के लिए, ठीक है, दो स्टेट और देखो फटाफट। नेक्स्ट आया तेलंगाना। तेलंगाना को रिलेट करेंगे तेज गाना भाई। तेलंगाना यानी तेज गाना या तेल लगाना, तेल लगाना। देखो भाई पहले आया बोनालू, बोनालू को याद रखेंगे, बनालू क्या बना लू भाई? गाना बना लू, गाना, गाना यानी तेलंगाना। ये आप लोगों का आंध्र प्रदेश भी है, दो साथ लगती स्टेट तो होगी, मैंने बता दिया भाई आप लोगों को। ये लोक डांस से बताऊंगा मैं आप लोगों को, जब करोगे ना लोक नृत्य है तो उसी से रिलेट करेंगे। बनालू वहां भी आएगा, बनालू आते ही बनालू क्या बना लू? गाना, गाना आते ही तेलंगाना। बथुआ कम, देखो बथु कम है, बथु कम का मतलब है बथुआ कम, और बथुआ कम बढ़िया पता है कब बनेगा? जब बथुआ कम बनाना तेल में तभी बढ़िया बनेगा। बथू कम्मा यानी बथुआ कम, किस में बढ़िया बनेगा? तेल में। बथुआ कम किस में बनेगा? बढ़िया तेल में। आगे देखो अलाबला का क्या था? गाना। अलाबला का क्या था? गाना। तेलंगाना है। मेदराम का क्या था? गाना। मेदराम का क्या है? गाना। गाना से तेलंगाना, तेलंगाना
समझ आया भाई? बताओ, बना लूँ यानी बना लूँ, क्या बना लूँ? गाना बना लूँ। अला बलाई का क्या था? गाना था। तेलंगाना है ही, मेदराम का क्या था? गाना। बथुआ कम किससे बनेगा? तेल में। बथुआ कम बढ़िया किससे बनेगा? तेल में। तो बस यही था। आगे देखो, एक त्रिपुरा और देख लेते हैं, ठीक है। अब वैसे तो स्टेट हमारे त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है, स्टेट तो आज कर ही लेते हैं भाई पूरे। देखो तेलंगाना सुनो, सॉरी त्रिपुरा, त्रिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा को पूरा से याद रखेंगे, पूरा, देखो पूरा से। खर्ची भाई देखो, खर्चा पूरा हो रहा है, खर्ची आते ही खर्चा पूरा, ये पेपर आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना दिल्ली पुलिस पेपर, देखो एक बार। संतरा पूरा खाना चाहिए भाई, बीज उसमें पूरे हैं, पूरे से त्रिपुरा। होज में गिरी, यानी जब कोई होज में गिरेगा तो पूरा ही गिरेगा, आधा थोड़ी गिरेगा। होज में गिरी, होज गिरी, होज में गिरी पूरी। केर यानी बेर, बेर भी पूरे हैं, या केर पूरी करनी चाहिए किसी भी आदमी की, केर को केर उसे रिलेट करेंगे, केयर यानी देखभाल, केयर किसी की पूरी करनी चाहिए। गिरिया यानी गिरिया, गिर गया, गिरिया यानी गिरिया, पूरा गिर गया भाई। खमपुई, पुई रोटी पूरी, पुई भाई पुई यानी पुई, पुआ, खमपुई, याद हो गया। फिर से देखो कैसे याद किया, खर्चा पूरा, संतरा पूरा, बीज उसमें पूरे, होज में गिरा पूरा, केयर करनी चाहिए पूरी, गिरिया पूरा, खमपुई पुई, क्या पुई? रोटी पुई भाई, पुई रोटी पूरी, पुई पूरा पूरा। चले भाई याद हो चुका। यूपी में कुंभ का मेला लगता है, कुंभ मेला चार जगह लगता है, प्रयागराज, इलाहाबाद में, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है, हर चार साल में बारी बारी से लगता है। चलो आगे, और कौन कौन सा है? चले आज के लिए इतना ही करते हैं, मेरे ख्याल से काफी हो गया, या देख ले भाई। चले देख लो, ये भी उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के विषय आपको पता है। देखो उत्तराखंड में फूलों की घाटी किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को हरेला, हरेला, हरेला यानी हरे हरे फूल ला, हरेला हरे हरे फूल ला, कहाँ से लेने के थे? फूल आते ही उत्तराखंड का नाम आना चाहिए, समझ आया? घी, घी उतरता ही तो है भाई, घी उतरा, दूध में से घी उतरता है ना, उतरा घी क्या हुआ? उतरा, कहाँ से? दूध से घी उतरा, उतरा से उत्तराखंड। बताओ याद हुआ? अरे याद हो गया, उत्तराखंड। फूल आते ही हरे फूल लाने थे, हरेला, हरेला क्या ला? फूल, फूल कहाँ से ले गया? उत्तराखंड से। घी क्या होता है? उतरा, घी कहाँ से उतरा? दूध से भाई। ये लास्ट स्टेट और देख लो, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल को रिलेट करेंगे बंगले से, बंगाल यानी बंगला। और देखो बंगले में ना, बंगले में बहुत ही बोर शो हुआ, बहुत बहुत ही बोरिंग, बोरिंग क्या था? शो, उसी से रिलेट करेंगे, बोर शो, बहुत ही बोर शो था भाई। कहाँ पे? बंगले में। दुर्गा पूजा सबको पता है कहाँ होती है? बंगले में ही होती है, ठीक है। पूरे जग धात्री पूजा भाई, जग धात्री पूजा, ये भी पश्चिम बंगाल है। ढोल कहाँ बजेंगे? बंगले में बजेंगे। गंगा सागर आपको पता है, ये एक आइलैंड है, आप पढ़ चुके हैं, गंगा सागर बंगला भाई, गंगा का पानी बंगला। पोइला रोटी पूरी, पोइला भाई बंगले में, ठीक है। तीस्ता नदी आपको पता है सिक्किम से आती है, वेस्ट बंगाल से होती, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल उसमें आपको पता है, अरे कौन सा स्टेट है? बांग्लादेश से, पढ़ चुके हैं नदियों में, बांग्लादेश से किससे मिल जाती है तीस्ता नदी? तीस्ता नदी मिलती है ब्रह्मपुत्रा नदी से, ठीक है। तो ये हमने पश्चिम बंगाल भी याद कर लिया भाई, पश्चिम बंगाल भी क्या कर लिया? याद कर लिया। आगे देखो, ये छोटा सा बचा है, कजली महोत्सव यूपी में है। ये कमेंट में आप बताओगे मेरे को कुछ भी, आप भी कनेक्ट किया करो भाई, कजली यूपी से कनेक्ट करना है, कजली। आयुर्वेद भैया बताओ, आयुर्वेद आते ही वाराणसी काशी, ये याद आएगा आप लोगों को, वाराणसी काशी सारे यूपी में है, और यहाँ पे तो वेद, वेदों का अध्ययन किया जाता है काशी में, आयुर्वेद आते वेद कहाँ पे? काशी में। श्रावण मेला, सावन का मेला, ठीक है। कालिंजर यूपी में भाई, नौचंदी यूपी में, बटेश्वर, ढाई घाट, जितने भी घाट है ये यूपी में मिलेंगे, शाकुंभरी देवी उत्सव। तो ये रिलेट करना आप बताओगे भाई, कैसे आप लोग इसको याद करोगे, ठीक है। और याद ना कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगली क्लास से हम बता देंगे, अगले पार्ट में। एक पार्ट और आएगा भाई, अभी फेयर और फेस्टिवल का सुन लो, उसमें क्या आएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, अगले टॉपिक में मैं लेके आऊंगा, अगले पार्ट में याद रखना। देखो आपके सामने ये दो, आप लोगों के सामने मैं लिस्ट दे रहा हूं, अगला जो पार्ट है वो स्पेशल इसका होगा। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो टेबल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
और एक ये टेबल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टेबल और ये बच्चे फेस्टिवल हम अगली क्लास में याद करने वाले हैं, हमारा पार्ट नंबर 3 में फेयर और फेस्टिवल का। समझ आया? चलिए दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक, अगली क्लास से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।